ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में एमसीक्यूज आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आ जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है और इसके चार ऑप्शंस हैं जिसमें से आप एक सिलेक्ट करते हैं, वो आपका आंसर कहलाता है। शॉर्ट आंसर्स, जिसमें आपने दो या तीन लाइन में उस क्वेश्चन को के आंसर को लिखना होता है, दैट इज ऑल्सो कम इन अ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मैचिंग कॉलम्स, जिसमें दो कॉलम्स दिए जाते हैं, जिसमें से एक तरफ आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, दूसरी तरफ दूसरे, तो उनको जब आप मैच करते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें ट्रू एंड फॉल्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ही आते हैं, जिसमें या तो आपका क्वेश्चन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जो स्टेटमेंट दी जाती है उसका ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद आता है सब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें आपके जो इन कोर्सेज के जो इन स्कोर्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं आपकी ओपिनियन पे। जितना आपने अच्छा ओपिनियन लिखा है, जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आंसर एक्यूरेट लिखा है आपने, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड क्वेश्चन की है, तो उसका जो है आपको स्कोर है उसी तरीके से मिलता है। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप ऐसे टेस्ट देते हैं जिसमें आपको ऐसे लिखने के लिए ऐसे आपका ओपन एंडेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ऐसे हम हर उस क्वेश्चन को भी कहते हैं जिसके थ्रू आप बाउंड नहीं होते कि आपने फिक्स्ड आंसर देना है। इनफैक्ट आप सप्लाई जो आंसर देते हैं, जिसमें आप अपने कंटेंट को इलेबरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं, आप इनलिस्ट करते हैं, आपकी खुद से जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं अपने आंसर उस क्वेश्चन के से रिलेटेड, जो आंसर रिक्वायर्ड है आप अपना आंसर खुद लिखते हैं, दैट इज़ योर सब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें स्टूडेंट का काफ़ी मार्जिन मिल जाता है कि वो अपने ओपिनियन को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करते हुए लिखते हुए अपना आंसर पेश करता है और उसी के बेस पे उनकी स्कोरिंग की जाती है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम गोज साइड बाय साइड और एक साथ साथ चल रहे होते हैं। एक ही क्वेश्चन में, एक ही एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल सकते हैं, सब्जेक्टिव भी मिल सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप ऑब्जेक्टिव जो है वो एट ब्रॉडर लेवल भी है, जिसमें नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की अगर बात कर ले, अगर हम गैट टेस्ट की बात करते हैं तो गैट में स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को आपने आंसर देना होता है, और वो ब्रॉडर लेवल पे। और सब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो ब्रॉडर लेवल पे नहीं होता, वो इन एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करता है कि आपने किस तरह के क्वेश्चंस देने हैं। सो ऑब्जेक्टिव इज मोर स्टैंडर्डाइज्ड एंड मोर स्ट्रक्चर्ड।